जहां देश में PFI के कई मामले सामने आए हैं, वहीं अब एडवोकेट भी इस मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मोहम्मद मुबारक है और यह केरल हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आरोपित मुबारक केरल के एनाकुलम का रहने वाला है। वहीं मोहम्मद मुबारक पर आरोप है कि वह PFI के गुर्गों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। वह प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों को यह भी सिखाता था कि टारगेट को कैसे खत्म करना है। मुबारक के घर पर एक बैग में छुपाकर रखे गए कुल्हाड़ी और तलवार सहित कुछ अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह हथियार बैडमिंटन के एक बैग में रखे गए थे। NIA ने अपने बयान में बताया है कि पकड़ा गया वकील मोहम्मद मुबारक विभिन्न राज्य में हिटलर स्क्वाड संचालित कर रहा था। NIA ने 20 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे आगे की पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को NIA ने केरल के एक साथ 56 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस FIR में PFI से जुड़े सदस्यों पर देश विरोधी गतिविधियों को चलाने के आरोप है। इससे पहले भी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।